To your left is the challenger, Rahul Gandhi. And to the right, the undisputed king of Indian politics, Narendra Modi. 2017 में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद सभी ने राहुल गांधी का मरसिया पढ़ दिया था। किसने उम्मीद की थी कि राहुल गांधी सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए दिखाई देंगे? आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज हमारी निगाह होगी इन खास मुद्दों पर। क्या अनाड़ी अब खिलाड़ी बनने वाला है? राहुल गांधी का सीधा चैलेंज। न्यूज चक्र में हम आपको बताएंगे वो 10 कारण जिसकी वजह से साल 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही महीनों पहले की बात थी जब बीजेपी कहती थी कि राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े कैंपेनर हैं। मगर अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब राहुल गांधी सीधी चुनौती दे रहे हैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हमने बाकायदा इसके लिए आपके सामने एक बड़ी पेशकश तैयार की है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने पॉइंटर्स रखने वाले हैं जिस पर आपको गौर करना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा, एजेंडा सेट कर रहे हैं राहुल गांधी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसान कर्जा माफी के ऊपर इस वक्त कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह कर्जा माफी कर दी गई है और राहुल गांधी खुद को किसानों के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी साढ़े चार साल से प्रधानमंत्री हैं, एक रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया, एक रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। अब राहुल गांधी के इस बयान के पीछे की चालाकी को समझिए। राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आपको किसान कर्जा माफी करनी होगी। अगर मोदी ऐसा कर देते हैं तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस लेना चाहेगी, तो इसके पीछे की आप सोच को समझिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर। जी हां, एजेंडा सेट कर रहे हैं राहुल गांधी। और आइए रफाल पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करते हैं, क्योंकि कई मीडिया चैनल्स ने कह दिया था कि यह मोदी सरकार के लिए क्लीन चिट है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि प्राइसिंग और अनिल अंबानी की मौजूदगी पर कोर्ट अब भी खामोश है। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है। तो बेशक क्लीन चिट मिली, मगर आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने इसमें सरकार को पूरा राजनीतिक क्रेडिट नहीं लेने दिया। और यह कहीं ना कहीं बता रहा है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी अब और ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। अब आप गौर कीजिए इनके इस तीसरे बयान पर। ये वो शाम थी जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की थी। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट मी दैट लिस्ट, आई मीन यू नो, बिकॉज़ आई सी व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज़ फ्रैंकली मिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। 5 इयर्स अगो ही वाज हैंडेड अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री, एंड द सैड थिंग, एंड आई फील बैड फॉर हिम, even though I'm an opposition person, the sad thing is that he refused to listen to the heartbeat of his country. इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इज्जत भी दे दी, मगर साथ ही तंज भी कस दिया। तंज ये कि प्रधानमंत्री के पास एक स्वर्णिम मौका था, मगर उस मौके को उन्होंने गवा दिया। यानी कि राहुल गांधी की सोच कहीं ना कहीं भारी पड़ती यहां पर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब हम बात करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे की, यानी कि राहुल का हिंदुत्व। देखिए, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्या वाकई राहुल गांधी एक संजीदा शिव भक्त हैं। मगर होता क्या है कि जब भी राहुल गांधी
मंदिर की यात्रा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैप में फंस जाती है। वो कैसे? क्योंकि राहुल जब भी मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाती है, उनके गोत्र पर सवाल उठाती है और इस मामले को बहस का रूप देने की कोशिश करती है। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो एक और भी है। वो चेहरा सामने उभर कर आता है कासगंज के जरिए, बुलंदशहर के जरिए। और जब एक तरफ राहुल गांधी का हिंदुत्व है जिसमें किसी के लिए असुरक्षा की बात नहीं है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का जो हिंदुत्व है उसका चेहरा ये तीन लोग उभर कर आते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए एक पुलिस अफसर के जान के कोई मायने नहीं है बल्कि गाय की जान के मायने हैं। गिरिराज सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर दिए गए दिशा निर्देश को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। संबित पात्रा, जो कि प्राइम टाइम टेलीविजन में किस तरह से इस तरह के उग्र बयान देते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि इन तमाम मुद्दों पर खामोश हैं तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है या उनकी जो सोच है वो टकराव भरी है, तकरार भरी है और नफरत पैदा करने वाली है। और यही फर्क राहुल गांधी बता रहे हैं उनके हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व में। इसके अलावा जो चीज प्रधानमंत्री की ताकत थी अब वो उनकी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि तमाम चुनावी कैंपेन्स में उनकी भाषा पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत थी वो अब उनकी कमजोरी बनती जा रही है। जी हां, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी भाषा को लेकर लगातार आलोचना की जा रही है, चाहे कांग्रेस की विधवा हो, चाहे शमशान कब्रिस्तान हो, या फिर उनकी अपनी पार्टी के नेता जो लगातार भाषा की शालीनता की हदों को पार कर रहे हैं। इसके अलावा मन की बात हो या टेलीविजन चैनल्स पर उन्हें दिखाए जाने की बात हो, अब लोग उनसे बोर होते जा रहे हैं। यानी कि हर जगह मोदी के दिखाए जाने से उनका ओवरकिल हो रहा है, जिससे काफी हद तक लोग उनसे उकता से रहे हैं। अब आप खुद ही कहिए, जब भी आप मित्रों या भाइयों और बहनों सुनते हैं तो आप खुद कैसा महसूस करते हैं, आप बताइए। मगर सवाल यह कि राहुल गांधी की सोच के पीछे आखिर काम कौन कर रहा है, क्या उनकी कोई टीम है? तो न्यूज चक्र में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं राहुल गांधी के सलाहकार, और इनके सलाहकारों में सबसे ऊपर नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। जी हां, मनमोहन सिंह, जिनसे वो गवर्नेंस के मुद्दे पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर बाकायदा सलाह लेते हैं, और इस वक्त मनमोहन सिंह उनकी सोच की सबसे मजबूत रीढ़ बने हुए हैं। इसके अलावा संसद के अंदर उनके एक साथी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनसे वो लगातार मशवरा करते हैं। अब गौर कीजिए इन दो नामों पर जिससे आप चौंक जाएंगे। पहला नाम शरद पवार, दूसरा नाम शरद यादव। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शरद पवार ही थे जिन्होंने राहुल गांधी को मशवरा दिया था कि तुम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर जोर दो, क्योंकि उसी के बाद 2019 का रास्ता सामने खुलकर आएगा। और इसी तरह से शरद यादव से वो लगातार बातचीत करते रहते हैं हिंदी बेल्ट में, जिस तरह के मुद्दे हैं। तो कहने को ये राहुल गांधी की टीम नहीं, मगर ये उनके सलाहकार हैं जिन्होंने उनके सोच पर असर डाला है। इसके बाद राहुल गांधी का मिशन 150। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त राहुल गांधी ने 150 सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है, और न सिर्फ इसे आइडेंटिफाई कर लिया है बल्कि ये 150 सीटें कौन लड़ेगा उन्हें भी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर यह मैसेज दे दिया गया है कि तुम्हें इन 150 सीटों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यानी कि जमीन 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी ने तैयार कर दी है, और यह जमीन तैयार हो रही है गठबंधन की निगाह से भी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि गठबंधन को लेकर इस वक्त कौन कहां ठहरता है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी, इन तमाम लोगों के साथ एक महागठबंधन तैयार हो गया है जिसमें किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। मगर अब तुलना कीजिए बीजेपी से क्या हो रहा है। बीजेपी को 22 सीटें मिली थी पिछली बार लोकसभा में, मगर इस बार वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश की जनता दल यूनाइटेड को पिछली बार कितनी सीटें मिली थी, 2 सीटें।
और वो भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही नहीं, रामविलास पासवान लगातार मोदी को, अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले के मुकाबले इस बार कम सीटों पर लड़ रही है, यह जतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि वो अपने एलाइज के सामने घुटने टेक रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। सोमवार को शरद पवार का यह बयान आया था और इस पर आप गौर कर सकते हैं। उन्होंने यह कह दिया है कि 40 सीटों पर हमारा फैसला हो चुका है, हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस और एनसीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 8 अन्य सीटों पर बात होनी है। मगर दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है? शिवसेना के साथ इस वक्त बीजेपी का इस कदर तनाव है कि यह बात लगभग तय मानी जा रही है कि वो चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे, यानी कि वोटों का सीधा बंटवारा यहां पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी बाजी मार रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। मगर कांग्रेस के एक नेता से मेरी हाल ही में लखनऊ में बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, और अगर नजरअंदाज कर भी दिया तो कम से कम 5 सीटें कांग्रेस को देनी ही पड़ेंगी और अन्य सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड कास्ट वोट है बीजेपी का उसे काटने में वो मददगार साबित होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम राज्यों में बाकायदा गठबंधन को लेकर इस वक्त कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है और इसके पीछे राहुल गांधी की सोच है। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं और राहुल गांधी एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और अब बारी है हमारी दूसरी बड़ी पेशकश की। हम आपको बताना चाहेंगे वो 10 कारण जिसके जरिए हम ये दावा कर सकते हैं कि 2019 की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होने जा रही है। कारण नंबर 1, ब्रांड मोदी। जी हां, ब्रांड मोदी लगातार कमजोर होता जा रहा है, जो कि अब तक बीजेपी का ब्रह्मास्त्र था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश के ऐसे कई इलाके थे जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने गुजारिश की कि प्रधानमंत्री मोदी यहां ना आए वरना हमें नुकसान हो जाएगा। अब इसकी तुलना आप 2013 और 14 से करें, किस तरह से मामला जो है वो पलट गया है। कारण नंबर 2, जी हां, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि बीजेपी इन 3 राज्यों में चुनाव हारी, इसके अलावा गुजरात में कितनी मुश्किल से बीजेपी चुनाव जीती है। जो वहां के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो है दमखम बनाया कांग्रेस ने, और यही नहीं, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद जेडीएस और कांग्रेस की वहां सरकार चल रही है। कारण नंबर 3, जितने भी लोकसभा उपचुनाव हुए, बाय इलेक्शंस हुए, जिसमें गोरखपुर, फूलपुर, राजस्थान के 2 बाय इलेक्शंस, इन सभी जगह पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अगर गोरखपुर और फूलपुर में हार जाते हैं तो मैं आपको कोट करना चाहूंगा अमित शाह ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था कि अमूमन बाय इलेक्शंस में जो पार्टी सत्ता में है वही जीतती है, मगर न सिर्फ केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी बल्कि यूपी में भी थी, बावजूद इसके गोरखपुर जैसी जगह में वो हार गई। कारण नंबर 4, 2013 की तुलना में या 2014 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में तो वोट शेयर गिर ही रहा है, बल्कि हम आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में 16% गिरावट आई है, मध्य प्रदेश में 13% की गिरावट और छत्तीसगढ़ में 16% की गिरावट आई है। इसके बाद मुद्दा नंबर 5, हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर रहा है। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से न सिर्फ अयोध्या में बल्कि दिल्ली में भी धर्म संसद का आयोजन किया विश्व हिंदू परिषद ने, मगर उसकी गूंज कहीं सुनाई नहीं दी। राम मंदिर पर बेशक बीजेपी तल्ख तेवर करने की कोशिश कर रही है मगर उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम रुक करते हैं मुद्दा नंबर 6। लोगों में कहीं ना कहीं ये बात घर कर रही है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो अराजकता फैलाने वाला हिंदुत्व है, उसका हिंदुत्व है
बुलंद शहर के जरिए दंगे कराना, उसका हिंदुत्व है कासगंज के जरिए दंगे कराना, और यही वजह है कि बीजेपी का हिंदुत्व कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय भारतीय है उसे रास नहीं आ रहा है, वो मध्यम वर्गीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत समझा जाता था। मुद्दा नंबर 7, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है, नोटबंदी और जीएसटी और साथ में जो बैंकिंग संकट चल रहा है उसके चलते लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी है, और वो इसके लिए बीजेपी को माफ नहीं करने वाले हैं। मुद्दा नंबर 8, वो चीज जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, अब कांग्रेस को लोग एक ऑप्शन के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। और मुझे आपको यह भी बताने की जरूरत नहीं कि 2014 में कम से कम 224 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी, और अब जैसे जैसे उसका ग्राफ बढ़ रहा है कांग्रेस वापस खेल में आ रही है। मुद्दा नंबर 9, विपक्ष जुड़ रहा है, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस साथ आया, बिहार में महागठबंधन बन गया, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश साथ आ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का मुद्दा है, उसके लिए परेशानी का सबब है। और आखिरी मुद्दा जिसका संबंध मुद्दा नंबर 9 से है, वो है क्षेत्रीय स्ट्रांगमैन, यानी कि जो स्टेट के दिग्गज नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, ये तमाम नेता अपने अपने राज्यों में दिग्गज माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं, लिहाजा इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह की कोई भी पैठ बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये थे हमारे वो 10 कारण जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 2019 की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होती जा रही है। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं, और राहुल गांधी एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। न्यूज चक्र में हमने आपके सामने वो मुद्दा पेश किया जो साल 2019 का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर बार की तरह हम अपना वादा भी पूरा कर रहे हैं, यानी कि पर्दे के पीछे जिस तरह से ताकतवर लोग जनता को उंगलियों पर नचाते हैं उसके खेल को हम आपके सामने लाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और आपसे एक अपील कि आप हमारे इस न्यूज चक्र को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।